गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आज मैं मेरे ऑफिस से फोन से ले रहा हूँ देर इज समॉब्लम इन द सेटअप ऑफ कंप्यूटर एंड एक रूम हमारा बिजी है सो गेटिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक जैसे कि आप लोग सबको पता भी आपके आई आई के एग्जाम में सिर्फ एक हफ्ता बचा है एंड ये लास्ट वीक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कुछ भी ज्यादा कुछ नया मत पड़िएगा कोई भी स्ट्रेसफुल चीज मत पड़िएगा जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करिए और आई आई के पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करिए बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट 2019 ऑनवर्ड्स अप टू 2024 हमने हमारे क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से कराया है सो वी रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप लोग सब आ, आ, वो सारे पेपर्स को अच्छे से रिवाइज करो अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्स असाइनमेंट्स और वाई असाइनमेंट्स कर लो इंस्टीट्यूट के मैट से पेपर बी के रिसोर्सेज से हल्के फुलके लास्ट तीन चार अटेम्प्ट के आई एफ के पेपर देख लो एंड दिस टाइम इट्स हंड्रेड परसेंट ओबीए विच इज एमसी क्यू फॉर पेपर ए तो आपको मैथमेटिकल टाइपिंग का स्ट्रेस नहीं लेना है एमसीक्यू में देखिए बहुत सिंपल है जो आपको आ रहा है उसको करिए जो नहीं आ रहा है आगे बढ़ जाइए क्योंकि क्या है वहां पर अगर आप आग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर हो सकता है आप आगे के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाओ तो सबसे पहला है कि पेपर पूरा देखना बहुत जरूरी है तो जैसे मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल फोर्टी क्वेश्चन आते हैं फॉर एक्जाम्पल और आपको दिख करते चलना है जो जो आ रहा है उसको करते चलिए बाकी को आगे के लिए छोड़ दीजिए मतलब बाद में रिविजिट करने के लिए छोड़ दीजिए उसमें फ्लैगिंग का सिस्टम होगा तो फ्लैग करते चलिएगा ठीक है टेबल बुक आई होप सो आप लोग ओरिजिनल मंगा लिया है क्योंकि आपका जो जेरोक्स टेबल बुक है वो अलाउड नहीं है सारे नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा टाइमली एग्जाम में बैठिएगा वाईफाई कनेक्शन में अगर कोई दिक्कत है लैपटॉप में अगर कोई दिक्कत है तो ये सब अभी चेंज करवा लीजिए क्योंकि क्या मैं देखता हूँ हर साल अगर सौ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो पांच बच्चों का इन सब वजह से छूट जाता है पेपर टाइमली अपलोड करना सारा सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को समझना प्रोसेस को समझना कि कैसे अपलोड वगैरह करना है तो ये सब चीज को लेके कोई भी टाइप की प्रॉब्लम लास्ट मोमेंट नहीं होनी चाहिए अपना गवर्नमेंट इश्यू आईडी प्रूफ वगैरह को प्रॉपरली रखना ठीक है ना एंड देखिए पांच परसेंट बच्चों का तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एग्जाम सक्सेसफुल नहीं हो पाता है एंड दस परसेंट बच्चे लोग चीटिंग के वजह से बैन हो जाते हैं तो आई में भी बहुत स्ट्रिक्ट विजिलेंस रहेगा कोई भी टाइप की बेवकूफी कोई ना करे फेल हो जाओ चलेगा बट कभी भी चीटिंग वाला काम मत करना की फ्रेंड को फोन कर लिया कोई देख नहीं रहा ये सब पूरा विजिलेंस में रहता है तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी आप लोग मत करिएगा ठीक है आपको अपने टाइम पे ध्यान रखना है आपको अभी लास्ट मोमेंट में अपने हेल्थ का ध्यान रखना है मतलब कुछ भी बाहर का बहुत ज्यादा तला भाजा मत खाइए एंड जिस टाइम में आपका एग्जाम है उस टाइम पे अच्छे तरीके से मतलब प्रैक्टिस करिए पेपर्स को क्योंकि आपका क्या होगा फिर एक फ्लो बन जाएगा उसके बाद में आपका जितना भी समय अच्छे से रिवाइज करिए एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहिएगा एंड पेपर और पेपर भी को दोनों अलग अलग समझिएगा मतलब ऐसा नहीं हो कि पेपर ये अच्छा चला गया तो पेपर भी इम्पैक्ट हो गया पेपर ही अच्छा नहीं गया तो पेपर भी इम्पैक्ट हो गया एंड वाइस वर्सा ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है बहुत लोग यहाँ पर मल्टीपल एग्जाम दे रहे हैं ये सारे पेपर्स इंडिपेंडेंट है आपको ऐसे सोचने हैं ठीक है एग्जाम में एक पॉजिटिव अप्रोच से जाओ एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ तो तुमको कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता है

एंड एमसीक्यू सी में देखो और एक चीज है बहुत सारा बार आपको लगेगा कि यार मैं एमसीक्यू डाल डाल के देख लेता हूँ कौन सा सही आंसर आ रहा है तो एमसीक्यू को अप्रोच करने का एक तरीका अलग होना चाहिए बहुत बार वो लोग आपको वर्ड्स में ट्रिक करेंगे फॉर एग्जांपल लीस्ट लाइकली मोस्ट लाइकली विच ऑफ देम इज नॉट नॉट वाला वर्ड आपको माने नॉट उनमें से कौन सा नहीं है आप पहला वाला देखोगे वो होगा आप टिक कर दोगे नहीं ये सब ये सब ट्रिक से बचना है जैसे मैंने जो कुछ कुछ एमसीक्यू एग्जाम्स दिया था उसमें क्या था शुरू के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे मूव करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी बीच में बहुत इजी था लास्ट वाला तो सुपर इजी था तो ये सब थोड़ा देख लेना कि कुछ कौन कौन सेट से ऑफ क्वेश्चन से डिफिकल्ट आ रहे हैं एकदम लास्ट में अटेंड करना पहले जो जो कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट हो रहा है वो कोई बच्चा मेरे को ये ना बोले कि सर मेरा टाइम की वजह से पेपर छूट गया ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम टूवर्स दी एंड पेपर देखा ही नहीं कि कितना इजी होगा ठीक है ना एंड एंड शुरू में अगर आपका एक दो क्वेश्चन आपको ट्रिकी लग भी रहा है तो उसको अवॉइड करिएगा और बाकी चीजों पे ध्यान अच्छे से दीजिएगा वो बहुत जरूरी है ठीक है एंड यस अगर एग्जाम टाइम में कोई भी आपका टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो इंस्टीट्यूट का नंबर वगैरह दिया हुआ है हमारा नहीं आई का उनको कॉल करिएगा एंड उस टाइम में पैनिक मत क्रिएट हुए जैसे एसेट के एग्जाम में क्या हुआ हल्का डीआई का ग्राफ को लेकर प्रॉब्लम हुआ तो सब बच्चे पैनिक हो गए वैसा नहीं होना चाहिए एक छोटा सा चीज आपका एग्जाम में कैसे इंपैक्ट कर सकता है घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लड़ाई झगड़ा चल रहा है अभी एग्जाम टाइम में सब कोई भी चीज में ध्यान नहीं देना है अभी तुम्हारा लक्ष्य है तुमको एग्जाम क्रैक करना है और एग्जाम कैसा जाएगा सब बच्चे मेरे नंबर में मुझे बताएंगे नाइन जीरो थ्री एट वन वन नाइन ट्रिपल फाइव देखो ये एक गोल्डन मौका ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है और इस सुनहरे मौके का आप एक पार्ट हो कि नवंबर में एग्जाम होगा उसके ठीक बाद फेबर में होगा मई में होगा सितंबर में होगा नवंबर में होगा हो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो बच्चा अभी हमको ज्वाइन किया है या फिर जो पहला एक पेपर क्लियर कर चुका है जिसका सेकंड पेपर है अगला साल नवंबर तक तुम लोग बहुत सारा एग्जाम्स क्लियर कर सकता है ठीक है सीएम सी बी सी बहुत सारे एग्जाम्स तुम लोग क्लियर कर सकते हैं गोल्डन सुनहरा मौका है आप लोग के लिए तो अभी एकदम कुछ मत सोचिएगा एग्जाम के बाद एक दो दिन ब्रेक लेने के बाद तुरंत चालू कर दीजिएगा क्योंकि क्या है अपने को फोकस हो के 2025 को अपने को टारगेट करना है एंड वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग एकदम पूरा फोकस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो अपना हेल्थ का ध्यान रखना सबसे पहले बहुत जरूरी है ठीक है हम लोग का गाइडेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है हमने पास पेपर्स कराया उसका रिकॉर्डिंग वगैरह देखो एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से करो कोई भी टाइप का स्ट्रेस मत लेना मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई भी टाइप का स्ट्रेस मत लेना ठीक है अभी एग्जाम टाइम है अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो सब कुछ एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट द रिजल्ट एंड द सक्सेस ठीक है तो ये है एंड यस एग्जाम में बहुत बार आपको ऐसा लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मैं भूल रहा हूँ ऐसा कोई बात नहीं है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना एंड तुम कोई भी एकदम कसम खा लो कि तुम कोई भी मतलब ये सब नहीं देखेगा कि ये जो पेपर आया है इसमें कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है ये सब मैपिंग में मत चले जाना एग्जाम देने के बाद आगे का सोचो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचो मतलब ये नहीं करना है कि मेरा कितना आएगा उसके साथ नहीं यू आर नॉट द वन टू जज एग्जाम का रिजल्ट वैसे भी जल्दी जल्दी आएगा ठीक है ना तो ये सब चीज को लेकर दिमाग नहीं लगाएगा एकदम अच्छे से पढ़ाई करेगा ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द लवली स्टूडेंट्स जो लोग ने भी पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई किए सबका एग्जाम आपके ऊपर क्रैक होगा ठीक है ना ये लेवल सबके निकलेंगे एकदम टेंशन मत लेना आराम से एग्जाम को देना एंड यस yes, एक बात याद रखना ये सिर्फ एक एग्जाम एक है तुम्हारा पूरा जिंदगी नहीं है ठीक है तो मतलब ये इसको एग्जाम की तरह ट्रीट करो इसको अपना जीवन मत बना लो ठीक है ना तुम्हारा मतलब टाइम पे सोना टाइम पे खाना ये सब चीज बहुत जरूरी है ठीक है ना और मौके बहुत मिलेंगे बट ऐसा कुछ नहीं कि तुम बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो रहा है लाइफ में वैसा कुछ नहीं है ये सिर्फ एक एग्जाम है हर तीन तीन महीने में एग्जाम होगा तो वैसा कुछ नहीं एकदम खुश मन से एग्जाम देना देखना पक्का रिजल्ट आएगा एकदम ये डर डर के पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा खुश मन से पढ़ो एकदम रिलैक्स करो एकदम आराम से चिल मार के एग्जाम दो एकदम ठीक है एग्जाम को एग्जाम की तरह ट्रीट करो एग्जाम को अपना लाइफ मत बना लो ठीक है

बिल्कुल मतलब सॉलिड नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत कच्चा पक्का है और एग्जाम में वही वही से क्वेश्चन आ गए तो वो मतलब जिसका ज्यादा वेटेज नहीं है वो से देख भाई मैं को को एक चीज बताता हूँ एग्जाम का नाम है प्रोफेशनल एग्जाम ठीक है मैं को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ जैसे मान ले जब एक प्रोफेशनल होता है ना तो उसके पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो उसने पहले कभी डील नहीं किया हो देखो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना तो तेरे को अगर एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा ना तो तू उसको तो 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 तोड़ देगा नहीं भी तोड़ पाएगा तो भी सौ में सौ थोड़ी चाहिए देखो तो पास होने के लिए साठ नंबर चाहिए पचास नंबर साठ नंबर सत्तर नंबर जो भी है जो भी तूने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है तो ठीक है ना अगर दस पंद्रह नंबर ठीक नहीं भी जा रहे तो भी तेरे को चाहिए कितना साठ बस हो गया ठीक है यस यस सर प्रांजल सर अभी ना यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स चल रहे चल रहे थे हमारे एक हफ्ते तक बिल्कुल सी वन का प्रैक्टिस छूट गया तो अभी एग्जाम के एक हफ्ते पहले वापस से पुराने टॉपिक्स रिवाइज करो 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 नहीं पेपर्स पेपर्स, क्योंकि देखो जब तुम पेपर करती हो ना तो तीन घंटे में तुम्हारा पूरा चीज रिवाइज हो जाता है तो पेपर करो ठीक है एक बात मैं तुम लोग सबको बताऊंगा जैसे एक दिन था जब मैं अपने पहले एग्जाम की तैयारी कर रहा था और अब मैं अपनी आखिरी एग्जाम की तैयारी करता हूँ अभी तो मेरा चलो शादी है ठीक है बट ट्रस्ट मी एक एक करके ऐसे ही टाइम निकलते जाएगा मैंने नहीं करेगा पेन 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 जो हो temporary pain है, pain हो रहा रहा है 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 होने दो वो चला जाएगा ठीक है ना हम सब ने अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी ना कभी बहुत मेहनत की है ठीक तो है तो वो चीज है तो मेहनत को कोई बीट नहीं कर सकता मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ठीक है यस आजाज सही ये ओबीए के रिजल्ट एक्सपेक्टेड जो डेट रिजल्ट डेट दी हुई है उससे पहले ही आएंगे तो सर इन्होंने तो जनवरी पहले, sure. हर, हर पहले से ही चालू करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो बैचेस है वो एथ ऑफ दिसंबर से चालू हो रहे हैं फेब्रवरी mm -hmm. के लिए तो वो तेरे को प्लान में वैसे ही रखना पड़ेगा अगर तू तो ये पेपर फेल हो जाता है तो वापस रिपीट करना पड़ेगा सिंपल है वेरी सिंपल एनी वन एल्स ओके okay. देखो यार मैं आप लोगों दोस्तों भाइयों और बहनों मतलब बहुत सिंपल सी बात है एग्जाम दो क्या हुआ भूल जाओ फिर दो महीना बाद रिजल्ट आएगा देखेंगे ये अप्रोच से अगर कोई करेगा ना तो वो लॉन्ग टर्म में विनर ही विनर है वो लॉन्ग टर्म में विनर ही विनर है बहुत ज्यादा कोई भी चीज को लेके हम लोग क्या है ना हमारा मन बच्चा है हम लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं चीजों को कोई कुछ बोल दिया कर, बहुत ज्यादा मन में लगा लेते एकदम नहीं करना है सब चीजों को यार एग्जाम ही तो है ठीक है

मैं नहीं चाहता कि अभी हम लोग नए बैच की बात करें मैं ये चाहता हूं कि अभी हम लोग सिर्फ नवंबर के बारे में सोचें आज के बारे में सोचें अगर आप आज से अपना हंड्रेड परसेंट एफर्ट हर दिन डालते हो ना एग्जाम तक तो उसके बाद का आपका सब कुछ अच्छा होते चला जाएगा प्लीज इतना ज्यादा आगे का मत सोचो दैट वॉज जस्ट अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन आपको अब माथा ही नहीं लगाना अभी उसके बारे में अभी सिर्फ मेरा लक्ष्य है मेरे को नवंबर अटेम्प्ट दिख रहा है एंड उसके लिए मेरे को दिन में आठ घंटा देना पड़े दस घंटा देना पड़े जितना मेरा कैपेसिटी है बॉडी का मैं दूंगी या फिर दूंगा बहुत सिंपल सी बात है यार मतलब मैं सच बता रहा हूँ ये अप्रोच मेरे को अभी आया है इतना आगे बट अगर मेरे को लगता है मैं शुरू से अप्रोच रखता केयर फ्री यार केयर फ्री यार ठीक है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ थ्री मंथ्स कहा निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा यार कहा निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा इट्स बीन टेन इय इन दिस इंडस्ट्री कहा निकल गया मेरे को नहीं पता लग रहा है यार आज के दिन पे ठीक है इट्स फाइन क्या हुआ okay. नैप की बार नवंबर में नहीं होगा मे में, में देंगे मे में, में सॉरी फेब में देंगे फेब में नहीं होगा मे में देंगे मे में नहीं होगा सितंबर में देंगे क्या है तो वर्ष टू वर्ष क्या हो जाएगा यार तीन चार पांच छह महीना साल भर ज्यादा ही ना लगेगा स्ट्रेस की तो कोई बात ही नहीं आ रही है हार तो वो गया है जो देना ही छोड़ दिया एग्जाम हार तो वो गया है जो एग्जाम देना ही छोड़ दिया यार तुमको क्या लगता है तुम लोग एक्चुअली बन जाएगा तो आगे कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा आगे और पढ़ाई आगे और कड़ी लड़ाई है फिर पैसे की लड़ाई होगी जॉब के लिए होगा प्रमोशन की लाइफ टाइम चलती ही रहेगा ऐसा कभी तो खत्म नहीं होता है जस्ट रिलैक्स एंड डू डू यू सपोज टू आई एम वेरी ऑनेस्ट आज का दिन देखो कल देखा जाएगा फिर कल का देखना परसों देखा जाएगा दिस इज द बेस्ट वे थोड़ा बहुत सोचना ठीक है बट बहुत ज्यादा प्लानिंग में हम लोग अस्सी परसेंट टाइम तो प्लानिंग में निकल जाता है हमारा माइंड ह्यूमन माइंड वैसे ही फ्रेम्ड है बहुत सोचते हैं हम लोग दोस्तों से पूछते हैं कितना हुआ तुम्हारा कैसे क्या हुआ

एन एम सी क्यू पैटर्न में इट्स मोर इट्स नॉट ओनली द दैट इज बिंग टेस्टेड कॉन्टेंट तो है ही योर एजिलिटी योर प्रेजेंस ऑफ माइंड योर वे ऑफ टैकलिंग चैलेंजेस इज टेस्टेड इन दिस पैटर्न इट्स मोर ऑफ अ अट्रेटिजिक गेम दैन एग्जाम दैट यू नीड टू क्रैक ओके सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आपने पहले एक घंटे में आज हॉकी का गेम में क्या दिखाता है फुटबॉल में क्या दिखाता है तुम अगर पहला हाफ में दो गोल कर दिया सामने वाला तो ऐसे ही खत्म है तो वही बात है ना भाई तो डोमिनेट करना कैसे है पहले दिन से तुम ट्राई वो क्वेश्चन का करेगा जो तुम्हारा जो तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है तो खोजेगा वो सब क्वेश्चन तुम अगर एक घंटा में चालीस नंबर का पेपर बना दिया मतलब तुम पास है भाई तुमको कोई रोक नहीं सकता है फेल होने से आई I मीन mean, पास होने से अगर तुम पहला एक घंटा में चालीस नंबर का पेपर बना दिया तुमको कोई रोक नहीं सकता है पास होने से भाई तुम ये क्यों नहीं सोच रहे है

मतलब आपको बहुत ही शांत स्वभाव से आपको एग्जाम देना है अपने सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स चेक करने हैं लिटिल बिट ऑफ विल वर्क फॉर यू सो थोड़ा बहुत आप स्पिरिचुअल बनिए इस लेवल पे आके थोड़ा बहुत भगवान का helps, मतलब पूजा वगैरह करना ट्रस्ट मी मतलब thing, so थोड़ा बहुत आपको रिलीजियस जो भी आप प्रैक्टिस करते हो

सर एज द पासिंग क्राइटेरिया चेंज नहीं यार पासिंग क्राइटेरिया तो चेंज नहीं हुआ हम लोग हमारे कम्युनिटी में डाल देंगे आज ही क्या है पासिंग क्राइटेरिया तो पासिंग क्राइटेरिया में कुछ भी वैसा नहीं आया है सर फोरम एम एम सी क्यू विल्प इन दीज डेफिनेटली बट आई आई रिकमेंड मोर इम्पोर्टेंटली आई आई के पेपर्स करना सो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट एंड ये मैं भगवान से दुआई मांगूंगा आप लोग सब लिए कि आप लोग सबका एग्जाम क्लियर हो ठीक है So, yes, all the best to all of you. And yes, just stay foolish and keep learning. Bye. Thank you, all of you. Bye. Love you all. Bye.